आरोपी दीपक ने लिखा था सुसाइड नोट पर नहीं की आत्महत्या। पूजा का पोस्टमार्टम के बाद हुआ अंतिम संस्कार। गीता कॉलोनी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी महिला, मंगलवार को घर में खून से लथपथ मिली थी। टमाटर के दाम अब भी 100 के पार, बारिश से कई फसलें खराब, नई फसल आने तक राहत मुश्किल आढ़ती। लूटपाट के दोषी को 7 साल की कैद, 7,000 जुर्माना, दोषी ने लगाई नरमी बरतने की गुहार। अभियोजन पक्ष की दलील, बढ़ रही लूटपाट, करना चाहिए कड़ी सजा पर विचार। उधार के 130 रुपए मांगने पर हमला, दुकानदार पर कैंची से किए ताबड़तोड़ वार, घायल का जीटीबी अस्पताल में चल रहा इलाज। यात्रियों के लिए सिरदर्द बनी डीटीसी बसें, कई बसों की हालत खराब, कई काफी पुरानी, कभी भी हो जाती हैं खराब, घंटों करना पड़ता है इंतजार। महिलाओं की शिकायत, खाली होने पर भी बस नहीं रोकते ड्राइवर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास, मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। शहादरा जिला के गीता कॉलोनी इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या के मामले में मृतक पूजा का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है, उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी दीपक ने भी सुसाइड नोट लिखा था, लेकिन उसने सुसाइड नहीं किया। इस मामले में पुलिस को आरोपी दीपक का सुराग यमुना के आसपास मिला, जिसके बाद पुलिस आरोपी दीपक की लगातार तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पूजा अपने एक बेटे के साथ गीता कॉलोनी इलाके में एक शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। मंगलवार देर शाम जब पढ़ाई करके उनका बेटा घर पहुंचा तो पूजा लहूलुहान पड़ी थी। बेटे ने घटना के बारे में पड़ोसियों को बताया और मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। टमाटर ने लोगों को आफत में डाला हुआ है, इस समय सबसे ज्यादा उछाल टमाटर के दामों में ही देखा जा रहा है। गाजीपुर मंडी के आढ़तियों का कहना है कि अभी टमाटर के दाम थोक में ही 100 के पार हैं। लगातार बारिश होने से कई फसलें खराब हो गईं, जब तक नई फसल नहीं आएगी तब तक राहत मिलना मुश्किल है। ऐसे में अभी इसके दामों में कमी मुश्किल ही नजर आ रही है। हालांकि 2 दिन पहले टमाटर और ज्यादा महंगा था, आज कुछ सस्ता हुआ, लेकिन आगे सस्ता नहीं होगा। वहीं रेहड़ी पर टमाटर अब भी 200 रुपये किलो तक मिल रहा है, जो कि एक आम इंसान के लिए काफ़ी महंगा है। अगस्त के आखिर तक ही इनके दामों में कमी हो सकती है। वहीं जिन सेंटर्स पर सस्ते टमाटर बेचे जाने थे उन पर ऐसी कोई राहत नहीं मिल पा रही। आज टमाटर बिका है लेके 100 रुपये किलो से 120-140 रुपये किलो तक, 60 रुपये बिक रहा था, 80 रुपये, 60 रुपये ऊँचे में 100 रुपये, बाकी 4-5 दिन से बाजार जो ना थोड़ा टाइट हो गया। माल पीछे माल कम आ रहे हैं, शिमले से माल कम आ रहा है पीछे पहाड़ों पे बारिश है, उस वजह से पीछे जब माल नहीं आएगा तो मार्केट में तेज़ी हो जाएगी, तो तेज़ी का मामला यही है। बाकी आज बाज़ार में 500 रुपये का, मतलब 10-20 रुपये किलो का उतार है आज, कल परसों और भी बाज़ार टाइट था, 150 रुपये किलो, 180 रुपये किलो तक माल बिके हैं। आगे यही है बाज़ार, अब नॉर्मल होता चला जाएगा। आज से बाज़ार में जो ना गिरावट है 10-20 रुपये किलो की, तो आगे लग रहा है कि आमदनी पीछे बढ़ जाएगी, क्योंकि नासिक भी बाज़ार कल टूट गया, कल नासिक भी गया 100 रुपये किलो। नहीं तो ले जाने वाले को भी तो जो ना सारे खर्चे होते हैं, अब वो ले जा रहा है, पिन्नी लगा रहा है, अब यहाँ तो उसने 1 करेट ले ली, अब वो पाव पाव बेच रहा है, अब यहाँ 25 किलो टमाटर करेट में देते हैं और पाव पाव बेचे उसके हाथ में तो 22 किलो के पैसे आते हैं। अब जो टमाटर वो यहाँ से अगर 150 रुपये किलो लेके जा रहा है तो उसको तो 180 रुपये किलो जाते जाते पड़ गया। नहीं, कल से और आज में मंदी काफ़ी है, कल और आज में 1000 से 1500 रुपये का रेट टूटा है टमाटर, मतलब जो कल 5000 बिका था वो आज 3500 बिका है, करेट 25 किलो होता है, 25 किलो से लेके 28 किलो, मतलब टोटल वोटल अगर कोई माशा को ले जाता है तो 22 या 23 किलो निकलता है उसमें, काट पीट के गला निकाल के। 1 किलो की बात करें तो यहाँ पे समझ के चलिए आप 130 रुपये, 120 रुपये से लेके और 150 रुपये किलो तक, और वैसे तो ऐसी बात नहीं है, 30 रुपये किलो टमाटर बिका है, 30 रुपये से लेके अगर हिसाब लगाओ जो ग्रेवी का टमाटर आता है जो होटल ले जा रहे हैं वो 20 या 30 रुपये किलो है। ये ना जहाँ से टमाटर आता है, एक तो आ रहा है कर्नाटका से और एक आ रहा है हिमाचल से, दो जगह से टमाटर आ रहा है, जो हिमाचल में टमाटर वहीं पर 4000 करेट बिक रहा है, उससे मंदा दिल्ली में बिक रहा है, और 3500 रुपया 3400 रुपया कर्नाटक में बिक रहा है, उससे मंदा यहाँ 3000 रुपये किलो बिक रहा है। नहीं नहीं, सस्ता यूँ नहीं है, अगर ना बरसात से जो फसल ख़त्म हो गई, यानी अब अगर नई फसल आएगी तो 10-15 दिन में फिर वहीं आ जाएगा, फिर उसके बाद में 15 अगस्त के बाद में रेट नीचे आता चले जाएगा।
वजह ये है कि ना बरसात से माल जो ख़त्म हो गया, जो पुरानी फसल थी ख़त्म हो गई, अब नई फसल आएगी तो व्यापारियों को इतनी दिक्कत है कि वहाँ खेतों में माल ही नहीं है, वहाँ बरसात से माल ही ख़त्म हो गए सारे, बरसात ख़त्म कहाँ है, पूरे हिमाचल में बरसात है, बरसात में माल ही ख़त्म हो गया। ड्यूटी कर घर लौट रहे शख्स से करीब 2 साल पहले चाकू दिखाकर लूटपाट करने के दोषी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 7 साल सश्रम कैद और 7,000 रुपये की सज़ा सुनाई है। दोषी की ओर से नरमी बरतने की गुहार लगाते हुए कहा गया कि उसके माता पिता बुजुर्ग हैं और एक छोटा भाई है, वह अकेला कमाने वाला है। इस पर अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि लूटपाट और झपटमारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए कड़ी सज़ा देने पर विचार करना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश साहिल जैन ने दोषी मनोज को 7 साल सश्रम कैद और 7,000 रुपये जुर्माना लगाया। इसमें से 5,000 रुपये पीड़ित को मुआवजे के रूप में देने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि खिचड़ीपुर में रहने वाले अनिल कुमार सिंह 25 अगस्त 2021 को दोपहर 3:45 पर ड्यूटी से लौट रहे थे। कल्याणपुरी के पास कोंडली मोड़ पर पीर बाबा रोड पर अचानक से आगे आकर एक युवक ने उनकी मोटरसाइकिल रोक ली, फिर चाकू दिखाकर उनसे मोबाइल फ़ोन लूट लिया। वारदात कर युवक करीब में नाले की झाड़ियों में जाकर छिप गया। पीड़ित ने शोर मचाया, जिस पर वहां से जा रहे 2 पुलिसकर्मियों ने युवक को दबोच लिया। उसके पास से लूटा गया मोबाइल फ़ोन और वारदात में उपयोग चाकू बरामद हुआ। युवक की पहचान कल्याणपुरी झुग्गी इंदिरा कैंप निवासी मनोज के रूप में हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने मनोज को बीती 31 मई को लूटपाट और वारदात में घातक हथियार का इस्तेमाल करने के साथ शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। अब इस मामले में मनोज को सजा सुनाई गई है। करावल नगर इलाके में एक दुकानदार को एक युवक से उधार के 130 रुपये मांगने भारी पड़ गए। आरोपी युवक ने कैंची से दुकानदार पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल हालत में हर्ष शुक्ला को GTBA अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित की शिकायत पर करावल नगर थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी राहुल उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। DTC की कई बसों की हालत बेहद खराब है, कई बसें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। ऐसे में इन गाड़ियों में कई बार ब्रेकडाउन देखा जाता है। इसकी वजह से खराब बसें घंटों तक सड़क पर यूं ही खड़ी रहती हैं। यात्रियों का कहना है कि पहले से ही बसों की काफ़ी कमी है, बसें लेट आती हैं और कई बार घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में बसें कई बार ख़राब हो जाती हैं, इसकी वजह से ख़राब बस को सड़क पर ही खड़ा करना पड़ता है और दूसरी बस का काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि ड्राइवर बस नहीं रोकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समय बर्बाद होता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बसों को दुरुस्त किया जाए, जिससे यात्रियों को कोई समस्या ना हो। नहीं, कभी कभार बहुत कम होता है, वैसे तो नहीं होता कभी कभार। हाँ, अब तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। हाँ, ये कि कभी कभी बहुत लेट हो जाते हैं, बसेस काफ़ी टाइम तक नहीं आती हैं, बट ऐसा नहीं है कि रास्ते में ख़राब हो जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होती हैं। हाँ, कभी वो बहुत पुरानी हो जाए तो उस वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। बाकी देखो, वेट करने पे कभी तो आते ही मिल जाती है, और कभी कभी आधा घंटा भी खड़े हो तो नहीं मिल पाती हैं। नहीं, फिर वेट तो करना पड़ता है। परेशानी क्या, वही लेट होते हैं बस घर के लिए, फिर और क्या, धूप गर्मी दिक्कतें तो झेलनी पड़ जाती हैं। मिल भी जाती हैं, कभी टाइम भी लग जाए। ट्रैफिक है भाई, सबके लिए है ट्रैफिक, तो मेरे लिए अकेले तो है नहीं, तो हाँ वेट तो करना ही पड़ता है भाई। थोड़ा पेशेंट डेली नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं। हमने तो अभी तक नहीं खराब हुआ, आज तक हम तो आए गए, कभी नहीं खराब हुआ, अब आगे का नहीं जानते। हमें तो ये मौजपुर से यहाँ तक ही आना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के स्कूल में लेने आना पड़ता है, छोड़ने आना पड़ता है, तो एक एक घंटा खड़ा होना पड़ता है वहाँ पर स्टैंड पर इंतज़ार कर। 206 की बहुत कम सर्विस है और ना ही उनका कोई टाइम है। नहीं, बस ख़राब नहीं हुई है, लेकिन बस है ही नहीं। बहुत परेशानी होती है, कभी ऑटो पकड़ना पड़ता है या कभी फिर दूसरी बस पकड़नी पड़ती है 374, तब जाके घर पहुँचते हैं। कई बार एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे भी बस में हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोगों को लेट हो रहा था, कई बार ड्राइवर ही नहीं रोकता, क्योंकि 623 जो होती है वो डायरेक्टली जाती है। तो कई बार जैसे ख़राब हो गई तो वो लड़कियां देख के बिठाते ही नहीं है कि इनको तो फ्री में लेकर जाना पड़ेगा, कोई रोकता भी नहीं है कई बार। और कई बार बहुत अच्छे होते हैं कि वो खुद ब खुद रोक के ही बिठा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेडीज़ है। पुरानी बसेस हो गई हैं, क्योंकि कई बार उनके गेट नहीं ठीक से बंद हो पाते हैं, तो इसलिए भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही वो कई बार बंद ही करना चाहते हैं, कई बार होता नहीं, कई बार वो लोग हाथ से भी करते हैं। ये लोग तो जो कंडीशन ख़राब है ज़्यादातर, बहुत परेशानी होती है। और कई बार हम लोग इतनी इतनी दूर जाते हैं, दो दो ढाई ढाई घंटे का बच्चों को छोड़कर भी आते हैं, क्योंकि मेरा बेबी खुद 8-9 साल का है, तो मेरे को उसे छोड़कर आना पड़ता है, घर का सारा काम करके आना पड़ता है। हम ऑलरेडी लेट हो जाते हैं, लेकिन बसों के चक्कर में हम और ज़्यादा लेट हो जाते हैं, करना पड़ता है।
कई बार आधा आधा घंटा, कई बार आती भी नहीं है, कितनी कितनी देर आती भी है तो वो लोग रोकते नहीं, कभी यहाँ रोकते तो कभी वहाँ रोकते कि लेडीज खड़ी है तो एकदम से चढ़ेंगी और भीड़ हो जाएगी। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े बीजेपी के बिल पर कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे का कहना है कि कांग्रेस मानती है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उनमें केंद्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार का काम बटा हुआ है। वहीं इस बारे में बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली का बहुत सा क्षेत्र केंद्र के अधीन है, दिल्ली देश की राजधानी भी है, ऐसे में बहुत सारे अधिकार केजरीवाल चाहें या ना चाहें केंद्र के पास हैं। विवादों को खत्म करने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा यह बिल इसलिए लाया गया है ताकि केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री में बार बार टकराव न हो, साथ ही अधिकारी कंफ्यूज ना हो कि उन्हें किसे रिपोर्ट करना है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता अतुल गुप्ता ने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को काम से रोकने के लिए बीजेपी यह बिल ला रही है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को काम करने से न रोका जाए, राज्य सरकार के काम में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। सांसद पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस बारे में सोचें, क्या केंद्र को राज्य सरकार के काम में हस्तक्षेप करने का हक है? शायद राज्यसभा में हम इसे न रोक पाएं, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जनता को समझाएंगे। केजरीवाल जी को ये समझ आने की जरूरत है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली को राज्यपाल नहीं मिला, उपराज्यपाल मिले हैं, दिल्ली का बहुत सारा क्षेत्र केंद्र के अधीन आता है, दिल्ली देश की राजधानी भी है, इसीलिए दिल्ली के बहुत सारे अधिकार केजरीवाल जी चाहें या ना चाहें केंद्र के पास रहते हैं। विवादों को और कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए जो बिल आज संसद में लाया गया है जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का अधिकार राज्यपाल महोदय को मिलेगा, वो इसलिए लाया गया है कि केंद्र और मुख्यमंत्री में बार बार टकराव की स्थिति या कंफ्यूजन की स्थिति ना बने, अधिकारी कंफ्यूजन में ना रहे कि उनको कहां पर रिपोर्ट करना है और कहां से उनके तबादले होने हैं, और पार्लियामेंट से जो कुछ भी पारित होता है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारा यही मानना है कि किसी भी चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को संविधान अधिकार देता है और उन अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। केंद्र का और राज्य का अपना अपना विभाग, अपना अपना अधिकार क्षेत्र बटा हुआ है, केंद्र को बिना कारण किसी भी चुनी हुई सरकार के कार्यप्रणाली में, कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो बिल है ये कहीं ना कहीं एक चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल का काम होगा, और कांग्रेस पार्टी मानती है कि केवल जब जनता ने सरकार को, जो राज्य की सरकार को जो चुन के भेजा है उनको अधिकार होना चाहिए। दिल्ली के जनता ने अरविंद केजरीवाल को 5 साल के लिए सरकार में भेजा तो उस सरकार को काम करने दिया जाए, उसको काम को रोकने के लिए एलजी को ऊपर से बिठा दिया है जो हर काम में हमारे घोड़ा कर रहा है। केंद्र सरकार का एक काम है और राज्य सरकार का एक काम है, राज्य सरकार के काम में केंद्र सरकार को इस प्रकार से रोड़ा अटकाना गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सीमापुरी थाना पुलिस ने एक नंबर प्लेट चोर को पकड़ा, आरोपी से 10 नंबर प्लेट्स बरामद। आरोपी की पहचान नई सीमापुरी के रहने वाले 25 साल के शेख हुसैन के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह नंबर प्लेट चोरी के कई मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि बीती 30 जुलाई को दिलशाद कॉलोनी की रहने वाली मानवी की शिकायत पर सीमापुरी थाना पुलिस ने नंबर प्लेट चोरी होने का केस दर्ज किया। आपको बता दें कि बीती 30 जुलाई को दिलशाद कॉलोनी की रहने वाली मानवी की शिकायत पर सीमापुरी थाना पुलिस ने नंबर प्लेट चोरी होने का केस दर्ज किया। 2 दिन के अंतराल पर सीमापुरी थाने में वाहनों की नंबर प्लेट चोरी होने की कई घटनाएं सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम बनाई गई, कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस शेख हुसैन को उसके घर से पकड़ने में सफल रही। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी हमने एक लड़के को पकड़ा था जिससे हमें 25-26 नंबर प्लेट रिकवर हुई थी, और अभी हमें 29 और 30 को ऐसे एक लगा एक नंबर प्लेट की चोरी का एकदम से इजाफा हुआ है, तो हमने क्योंकि 15 अगस्त भी आ रहा है तो हमने इस क्राइम को मुस्तैदी से लेते हुए हमें तुरंत इसमें एक टीम बनाई इसको डिटेक्ट करने के लिए, SHO ACP सीमापुरी अक्षय और SHO सीमापुरी विनय यादव के नेतृत्व में, और उन्होंने टीम ने अच्छा काम करते हुए, और ये शेख हुसैन एक 25 साल का लड़का है, इसको अरेस्ट किया और इससे हमें 10 नंबर प्लेट रिकवर हुई है और हमारे काफ़ी केसेस भी इससे वर्कआउट हुए।
पूर्वी दिल्ली थाना इलाके के कल्याणपुरी में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला ने बताया कि उसने 2020 में मकान खरीदा था। उससे पहले उस मकान में जो परिवार किराए पर रहता था उसने उनके पते पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य कागजात बनवा रखे थे और लोन ले रखा था। अब 2020 में जब यह मकान उन्होंने खरीद लिया उसके बाद से ही उनके लोन और क्रेडिट कार्ड वाले पीड़ित महिला को और उनके पति को परेशान करते थे। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत दी और उस परिवार से भी इस बारे में कहा जिन्होंने उस पर लोन ले रखा था। पीड़ित महिला के मुताबिक शिकायत के बाद पिछली 1 तारीख को उनका पड़ोसी उनके घर आया और उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने थाना कल्याणपुरी में शिकायत दी। महिला ने गुहार लगाई कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जो मकान पहले बेच के गए ना उनके किराए पे, कोमल और अर्जुन नाम के रहते थे। उन्होंने कहना मैं हमने उनसे डॉक्यूमेंट हटाने के लिए बोला, उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा रखा हमारे घर के एड्रेस से। मैंने डॉक्यूमेंट हटाने के लिए बोले, इसी बात पे पहले भी झगड़ा करा हमसे और अब भी हमसे इसी बात पे लेके आज 1 तारीख को झगड़ा करा 3:30 बजे करीब। मेरे हस्बैंड नहीं थे घर पर और मेरे को अकेली को देख के इसके आदमी ने दारू पी के नशे में मुझे इतनी बुरी तरह मारा, जिससे मेरे चोटे में इतनी सारी निशान वगैरह आया और मुझे जमीन पे थप्पड़ मार के गिरा दिया और रेप करने की धमकी भी है, जिसपे रेप करने की मुझे कह रहा है और कह रहा है फिल्म बनाऊंगा तेरी इस तरीके से उल्टे सीधे। कौन सा थाना लगता है? कल्याणपुरी थाना। मैं तो कल्याणपुरी थाने में भी गई थी सर, कल्याणपुरी थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, मेरी आधी अधूरी बयान वाली कंप्लेंट ले ली थी और मैंने वापिस मांगी आईओ सर से। मैंने 2020 में खरीदा था मेरी सास ने, वीरवती ने। क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं? क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की जो डिटेल विटेल अपनी जॉब की है जो भी लगती है, उन्होंने सारे प्रूफ हमारे घर के एड्रेस लगा रखा है। और लोन वगैरह भी मुझे लोन वाले आते हैं काफ़ी परेशान करते हैं कि ये लेडीज है ये कहाँ रहती है, मुझे डिस्टर्ब करा जाता है। तो मेरी वाइफ को 3:30 बजे करीब अर्जुन नाम के शख्स ने, जो हमारे घर से 2 मकान आगे रेंट पे रहता है, उसने मेरी वाइफ के साथ हाथापाई की और मेरी वाइफ पे इसका वीडियो भी है मारपीट का, उसने मारा। फिर हम थाने कॉल करी, पुलिस वाले उसको लेके गए, रात भर उसको थाने में बिठाया। अगले दिन उसको सकरपुर थाने से जमानत दे दी, सकरपुर कोर्ट भी है, सकरपुर थाने में ही कोर्ट है, वहाँ उसको पेश करके वहाँ उसकी जमानत दे दी जी। 700 हम चाहते हैं सर इस पे आगे एक्शन लिया जाए, जो जिस तरीके से उनने दरिंदगी तरीके से ड्रिंक करके शराब पी के मेरी वाइफ पे हाथापाई करी है, मारपीट करी है मेरी वाइफ के साथ, उसके अकॉर्डिंग उस शख्स पे, अर्जुन नाम के शख्स पे एक्शन लिया जाए। दिल्ली के LGV के सक्सेना ने जिला अदालत में कार्यरत मध्यस्थ अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। ये मध्यस्थ अधिवक्ता जिला अदालतों में 30,000 कड़कड़ुमा रोहिणी, द्वारका, साकेत, राउज एवेन्यू और पटियाला हाउस कोर्ट के परिसरों में स्थित मध्यस्थता केंद्रों में काम करते हैं। मध्यस्थ अधिवक्ताओं के मानदेय में साल 2014 के बाद से बढ़ोतरी नहीं हुई थी। संशोधित मानदेय 7 मई 2022 से लागू होगा। इस समयावधि में मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से निपटाए गए मामलों में मध्यस्थों को ₹5,000 का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित मामलों में ₹1,000 प्रति मामले और अधिकतम ₹3,000 का भुगतान किया जाएगा। इस मामले पर हमने कड़कड़ुमा के मीडिएशन एडवोकेट से बात की। उन्होंने बताया कि LG द्वारा लाया गया प्रस्ताव काफ़ी अच्छा है, इससे एडवोकेट को काफ़ी फायदा मिलेगा। मीडिएटर अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ मुकदमे आपस में बहुत सारे मुकदमे चलते हैं, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से ये चीज़ें आती हैं, ADR जिसको बोलते हैं। ये मध्यस्थता मुकदमों की जो संख्या उसको कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और बहुत बड़ी भूमिका होती है एक मीडिएटर की, वो दोनों पार्टियों को सही से गाइड करे और जो विवाद है उसको सुलझा सके, मुकदमे को सेटलमेंट करा सके। अभी रिसेंटली LG साहब ने इसमें जो मीडिएटर होते थे इनके मानदेय में इनको जो पैसे मिलते थे उसमें वृद्धि करी है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो एक मीडिएटर की भूमिका होती है और उसको काम करने वाले होते थे, पहले अगर कोई सेटलमेंट नहीं होता था तो पैसे कोई नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि LG साहब ने ₹5,000 तक का इसमें इजाफा किया है कि इन लोगों को अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ₹5,000 मिला करेंगे एक सेटलमेंट पर, और अगर 3 डेट चलने के बाद में कोई सेटलमेंट नहीं बनती है तो शायद ₹2,500 का, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसे मीडिएटर्स जो हैं कोर्ट की तरफ से होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने के बाद ही वो मीडिएटर अपॉइंट होते हैं। किस तरीके से काम होता है, उनका मेन काम क्या होता है? उनका काम है जो भी केसेस कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं वो उनके जो जज इंचार्ज हैं वहाँ पे वो हमारे मीडिएशन सेंटर के अंदर भेजते हैं,
तो उसको हम दोनों पार्टीज़ को बिठा के समझा के कोशिश करते हैं कि दोनों को रजामंदी से इनका सेटल किया जाए। हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं फैमिली कोर्ट के भी आ रहे हैं, सिविल मैटर आ रहे हैं, चेक डिसनोटरी आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड मैटर आ रहे हैं, MSET के आ रहे हैं, हर टाइप के केसेस आ रहे हैं जो कंपाउंडेबल इन नेचर हैं। हरियाणा के मेवात और नूह में हुए दंगे के बाद दिल्ली अलर्ट पर है, जिसे देखते हुए हमने नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट DCP जॉय एन चिरकी से सुरक्षा के इंतजामों को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि सभी थाने के SHO और ACP को अलर्ट रखा गया है और ड्रोन की मदद से एरिया पर नज़र रखी जा रही है। एरिया में गश्त बढ़ा दी गई है। आने वाले 15 अगस्त और हरियाणा में हुए विवाद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी समुदाय के लोगों से मीटिंग की जा रही है। आपसी भाईचारे को लेकर सबको समझाया जा रहा है। अफवाह से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 15 अगस्त आने वाली है, उसके बाद G20 और हरियाणा की अगर बात की जाए तो न्यू में विवाद चल रहा है। आपके इलाके में कितनी शांति है, किस तरीके से आप देख रहे हैं सर इसको? एकदम अमन और शांति है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा सेंसिटिव है नॉर्थ ईस्ट जिला, तो हम लोग भी उसी तरह से तैयारी करते हैं और बड़ा व्यापक इंतजाम किया हुआ है। कल भी हमारे यहाँ पे कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोटेस्ट था, उसको हमने अच्छे से कवर किया था, पीसफुल रहा। और जो नू में जो इंसिडेंट्स हुए उसको लेके थोड़ा सा हमने भी अपनी तैयारी कर रखी है, और कल जुमे की नमाज है उसमें भी हम लोग अमन और शांति फैलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे। और दो दिन पहले भी और आज भी मेरे सारे थानों में सारे SHOs को मैंने कहा है कि अमन कमेटी और भाईचारा कमेटी के मेंबर्स को बुलाएं और आपसी सद्भाव बढ़ाएं। दे शुड बी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पीस एंड हार्मनी इन द एरिया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN Live, दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।